जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी के चॉपर ने करी पानी पर इमरजेंसी लैंडिंग। मई से पहले INS विक्रमादित्य हो जाएगा पूरी तरह से बैटल रेडी। चीन के साथ लगी सीमा पर भारत के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए भारत सरकार ने मांगा एक्शन प्लान। फ्रेंच नेवी का हेलीकॉप्टर कैरियर कोची की विजिट पर। और असम पुलिस ने पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए सिम कार्ड सप्लाई करने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आज इंडियन नेवी के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को एक रूटीन सॉर्टी के दौरान मुंबई कोस्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी और इस दौरान इस हेलीकॉप्टर में 3 क्रू मेंबर सवार थे। और अच्छी बात यह है कि इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हमारे सारे पर्सनल पूरी तरह से सेफ हैं और नेवी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि पेट्रोल एयरक्राफ्ट की मदद से इन सभी को रेस्क्यू भी कर लिया गया है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक एक रूटीन फ्लाइंग मिशन के दौरान इस हेलीकॉप्टर ने एकदम से अपनी पावर को लॉस करना शुरू कर दिया था और जिस वजह से बहुत तेजी से नीचे की तरफ आने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर के पायलट कंट्रोल डिचिंग कराने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि डिचिंग का मतलब होता है जब हेलीकॉप्टर पानी पर कोई इमरजेंसी लैंडिंग करे। और फिर जिसके बाद हेलीकॉप्टर के 3 क्रू मेंबर्स सफलतापूर्वक हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए थे और उनको रिकवर करने के लिए तुरंत ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया गया था। और बाकी 3 क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सेफ हैं। बाकी हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी फ्लोटिंग गियर को डिप्लॉय कर दिया गया था और इसे भी रिकवर करने के सारे प्रयास जारी हैं। और ये घटना कैसे हुई है तो उसकी जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सर्कम नेविगेशन मिशन के हिस्से के तौर पर फ्रेंच नेवी का हेलीकॉप्टर कैरियर FS डिक्सम्यूट और उनके एक फ्रिगेट लाफेट 6 से 10 मार्च तक कोची की विजिट पर है। और अपनी इस ऑनगोइंग विजिट के दौरान फ्रेंच टीम ने भारत की सदर नेवल कमान की शिप्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स को भी विजिट किया है। इसके अलावा क्रॉस ट्रेनिंग विजिट्स, प्रोफेशनल एंड सोशल इंटरेक्शन, तो ये सब भी इस विजिट के प्रमुख हिस्से रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7 और 8 मार्च को पैंगोडे मिलिट्री स्टेशन में इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच अपनी तरह की पहली फ्रिंजेक्स 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज को भी आयोजित किया गया है। तो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए जो फ्रेंच आर्मी है तो वो फ्रेंच नेवी की इन्हीं शिप्स के साथ भारत आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने भारत चीन सीमा के साथ जो वाइब्रेंट विलेज वाला प्रोग्राम है उसके लिए एक्शन प्लान मांगा है। और इसके अलावा LAC के साथ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के आउटपोस्ट और सीमावर्ती इलाकों पर टेलीकॉम कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की आवश्यकता की पहचान भी की है। आपको रिमाइंड करा दें कि जब पिछले महीने इस साल के एनुअल बजट को अनाउंस किया गया था तो उसी में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2025-26 तक के लिए भारत के वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के लिए भी बजट निर्धारित किया गया था, जो कि है 4800 करोड़ रुपीज, और जिसके तहत चीन के साथ लगी सीमाओं पर कुछ खास तरह के विलेजेस को विकसित किया जाएगा। और ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है तो इस पर भारत क्यों काम कर रहा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको जानने के लिए आप हमारी शाओकोंग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस वाली ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर अभी हाल ही में पब्लिश की गई है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा कि जो चीन है वो भारत के साथ लगी सीमाओं पर अब किस तरह की नई रणनीति पर काम कर रहा है। इसके अलावा चीन से जुड़ा एक अपडेट ये सामने आया है कि फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में चीन द्वारा किए जाने वाली आक्रामक कार्रवाइयों को प्रचारित करने की एक नई रणनीति शुरू करी है, जो कि चाइनीज प्रोपेगेंडा को काउंटर करने और चीन के एक्शन सभी के सामने लाने जैसा काम किया है। और फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने डिस्प्यूटेड वाटर्स में अपनी पेट्रोलिंग्स को और भी इंटेंस कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे चाइनीज एक्शंस को डॉक्यूमेंट करके उन्हें पब्लिसाइज भी कर रही है, यानी कि चीन यहाँ पे किस किस तरह के हरकतें कर रहा है तो वो अब सबके सामने आ जाएंगे। और अपनी इसी नई रणनीति के हिस्से के तौर पर 6 फरवरी वाले इंसिडेंट को भी फिलीपींस ने सबके सामने रखा था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से चाइना की जो कोस्ट गार्ड शिप है उसने जानबूझकर फिलीपींस पेट्रोल बोट के मेंबर्स पर मिलिट्री ग्रेड की लेजर को एम किया था, जिसने फिलीपीन बोट के कुछ क्रू मेंबर्स को टेम्परेरी बेसिस पर ब्लाइंड भी कर दिया था। और फिर जिसके बाद चीन को इंटरनेशनल लेवल पर काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। तो जैसे कि INS विक्रमादित्य को मेजर ओवरहॉलिंग के बाद इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया गया है, तो अब हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक INS विक्रमादित्य पर MiG-29 के फाइटर्स के साथ जो फाइटर ऑपरेशंस हैं तो वो इस महीने के अंत से शुरू होने वाले हैं और INS विक्रमादित्य मई 2023 से पहले बैटल रेडी हो जाएगा। और रही बात INS विक्रांत की, तो इसे भी फुली बैटल रेडी बनाने के लिए ट्रायल्स जारी हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक INS विक्रांत मॉनसून के बाद तक फुली बैटल रेडी हो जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडिया विजिट के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत पहुंच चुके हैं और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के इस भारत विजिट के दौरान दोनों देशों के बायलेटरल रिलेशंस को और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा और जिसमें बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन भी शामिल है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 15 से 17 मार्च और 20 से 22 मार्च तक बे ऑफ बंगाल पर संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए भारत की तरफ से एरिया वार्निंग जारी की गई है। बाकी एक अपडेट भारत के स्पेस सेक्टर से भी है, जहां कल 7 मार्च को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से बताया गया कि उन्होंने अपने एक डीकमिशन मेगा ट्रॉपिक्स 1 नाम की सैटेलाइट को बेहद चुनौतीपूर्ण तरीके से एक कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट के जरिए डिकम्पोज किया है और इसे बेहद ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है,
बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो सैटेलाइट थी इसे मौसम से संबंधित जानकारी को जुटाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इसे 3 साल तक के लिए ऑपरेट करने के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन इस सैटेलाइट ने 10 वर्षों से भी अधिक की सेवा दी है। और इस सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नीचे लाकर डिकम्पोज करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य इसलिए था क्योंकि सैटेलाइट में करीब 125 किलोग्राम तक का फ्यूल बचा हुआ था, जिससे एक बड़े हादसे का जोखिम भी था अगर इसे सही से ना किया जाए तो। यूएनएससी में इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर विमेन पीस और सिक्योरिटी की थीम के साथ एक ओपन डिबेट कंडक्ट की गई थी। तो इस डिबेट के दौरान जहां दुनिया भर के देशों ने विमेन एम्पावरमेंट, उनकी सिक्योरिटी, उनके राइट्स, इन सब चीज़ों पर बात करी, तो इनमें से एक देश ऐसा था जो अलग ही लेवल पर चल रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ये पड़ोसी पाकिस्तान था। और यूएनएससी में इस ओपन डिबेट पर जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपनी टिप्पणी शुरू करी तो उनकी शुरुआत तो सही हुई, पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की कोई भी इंटरनेशनल डिबेट बिना कश्मीर का नाम लिए पूरी हो ही नहीं सकती है, तो इस बार भी वैसा ही हुआ। और अपने इस डिबेट में शायद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये भूल ही गए कि ये डिबेट इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर कंडक्ट कराई गई है कि दुनिया भर में हम कैसे विमेंस के राइट्स, उनके एम्पावरमेंट, उनकी सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंच गए जम्मू कश्मीर में और फिर जिसके साथ उन्होंने अपने खुद के काल्पनिक दावे करने शुरू किए कि कैसे जम्मू कश्मीर में विमेंस के राइट्स को छीना जा रहा है, उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और इस तरह के कुछ और काल्पनिक दावे। पाकिस्तान की इस टिप्पणी के बाद फिर भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई तो भारत के प्रतिनिधि की तरफ से कहा गया कि भारत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई एक ओछी, निराधार और राजनीति से प्रेरित टिप्पणी को खारिज करता है और हम तो इस तरह के दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार को जवाब देने के लिए भी अयोग्य मानते हैं। यानी कहने का मतलब यह कि पाकिस्तान की टिप्पणियों पर जवाब देना भी एक तरह से समय की बर्बादी है। और भारत का कहना था कि आज की चर्चा महिलाओं की शांति और सुरक्षा एजेंडे को पूरी तरह से लागू करने में तेजी लाने के हमारे सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और हम इस बहस के विषय का सम्मान करते हैं और हम समय के महत्व को पहचानते हैं। बाकी आज यूएन के 52nd रेगुलर सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की 17th मीटिंग में भारत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। और जम्मू कश्मीर को लेकर OIC द्वारा जो स्टेटमेंट जारी की गई है तो भारत उसे पूरी तरह से गलत मानकर खारिज करता है। पर खैर, हम इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि पाकिस्तान ने यूएन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया, वो तो वो हमेशा करता ही रहता है। बल्कि सरप्राइजिंग बात यह है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल विमेंस डे की डिबेट के लिए बुलाया गया और वो भी तब जब डिबेट का टॉपिक है विमेन, पीस और सिक्योरिटी। और पाकिस्तान के लिए इन तीनों ही शब्दों के मतलब बिल्कुल ही अलग है। विमेन के लिए उनका मतलब है गुलाम, पीस को समझते हैं टुकड़ों वाला पीस, और रही बात सिक्योरिटी की, वो पाकिस्तान में उन्हीं को मिलती है जो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और आपको एक इंटरेस्टिंग अपडेट और देते हैं कि पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोड, अब इस बात को लेकर चौंकना मत कि पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म कोड भी है। जी हाँ, वहाँ सब कुछ है, बस उनके मायने अलग अलग हैं। तो पाकिस्तान के इस कोर्ट ने उन 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जो कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड सुवर हाफिज सईद के घर के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट वाले मामले में शामिल थे। और फिर पाकिस्तान भारत को लेक्चर देगा सिक्योरिटी, पीस, विमेन राइट्स, इन सब चीज़ों पर। और इस तरह के टॉपिक में पाकिस्तान द्वारा बात करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि घोड़ों की रेस में गधों का दौड़ना। असम पुलिस ने असम के नागांव और मौरीगांव जिले से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए सिम कार्ड सप्लाई कर रहे थे। इनके पास से कई सारे मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स और ऐसे ही बाकी की आपत्तिजनक सामग्री भी रिकवर की गई है और जिसमें वो हैंडसेट भी शामिल है जिसका इस्तेमाल फॉरेन एम्बेसी के साथ डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किया जा रहा था। और असम पुलिस ऑफिशियल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये जो गिरफ्तारी है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और अदर सोर्सेज से मिले इनपुट्स के आधार पर कल रात को चलाए गए ऑपरेशन के दौरान की गई है। और जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है तो इनकी पहचान आशिकुल इस्लाम, वडरुद्दीन, मिजानुर रहमान, वहीदुजमान और बहारुल इस्लाम के तौर पर हुई है। बाकी IB ऑफिशियल्स के साथ इन आरोपियों से पूछताछ जारी है और ऑफिशियल के मुताबिक जो इनपुट्स थे वो करीब 10 लोगों के मिले थे जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल थे और फिलहाल अभी गिरफ्तारी 5 की हुई है और बाकी 5 अभी फरार हैं। लेकिन उन फरार आरोपियों के घर से 18 मोबाइल फोन, 136 सिम कार्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, हाईटेक CPU और कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासबुक और कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2001 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ग्रेनेडियर शिष्यराम ठाकुर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट यूनिट को कमांड करने वाली सबसे पहली वुमेन ऑफिसर का नाम क्या है। समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।